हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कंटेनर कॉर्प स्टॉक के बारे में और हम इस स्टॉक पर लेवल्स जानेंगे, क्या क्या लेवल्स खरीदारी के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करा दूं। तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो इसको स्टॉक अप ट्रेंड में, ठीक है। अब मैं स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देना चाहूंगा। तो आपको जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो स्टॉक का रेजिस्टेंस आपको लगभग यहाँ देखने को मिल रहा है 684 रुपए के आसपास, ठीक। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है स्टॉक का लगभग फ्रेंड्स 627 रुपए के आसपास, ठीक है। 627 रुपए के आसपास सपोर्ट है। तो अब इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, खरीदारी करें या ना करें? तो फ्रेंड्स, ब्रेकआउट होने का वेट करें। जैसे ही यहां से आपको 686 रुपए का ब्रेकआउट होगा तो आपको एंट्री ले सकते हैं आप, और आपको पहला टारगेट मिलेगा लगभग 747, ठीक है। और दूसरा टारगेट होगा आपके लिए लगभग 790 रुपए का, ठीक है। ये टारगेट्स होंगे, इन टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अगर यहां से स्टॉक नीचे जाता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो फिर आप इसमें वेट करेंगे कब तक स्टॉक यहां से रिकवर हो पाएगा, फिर आपको देखना होगा। ये सपोर्ट अहम है, सपोर्ट है 627 रुपए का। अगर इस सपोर्ट को स्टॉक तोड़ देता है तो फिर आपको स्टॉक में 582 कहूंगा कि 570 रुपए तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रेकआउट पर ही खरीदारी करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, होपलेस ना हो, बड़े आराम से तसल्ली के साथ स्टॉक को खरीदेंगे। कोई भी स्टॉक हो उसमें खरीदारी बड़े सोच समझ के करिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।